नगर निगम ने की अलवर गेट थाना क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही। नगर निगम की ओर से आज अलवर गेट थाना क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही की गई। RSRDC द्वारा किए जा रहे निर्माण के तहत निगम की परिधि क्षेत्र में आ रही दुकानों पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान दुकानदारों एवं क्षेत्रवासियों द्वारा निगम कार्यवाही को लेकर विरोध भी जताया गया। दुकानदारों ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है, जबकि उनकी ये दुकानें वर्षों से यहां स्थित है। पूर्व में भी नगर निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए बेहतर दुकानों को हटाया गया था। वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि 2x2 की दुकानें इन्हें आदेश के बाद अलॉट की जाएगी। RSRDC द्वारा ये जो आरओबी का निर्माण किया जा रहा है, तो RSRDC द्वारा निगम को लिखित में पत्र देकर बताया गया कि ये जो 6 दुकानें हैं ये भी इसमें हमारे इसमें आ रही है डिज़ाइन में, तो इनको हमने मौका दिखाया, हमारे ENs वगैरह आए मौका देखा, तो उसमें देखा कि ये जो 6 दुकानें हैं इनमें जो आगे 6.25 फीट आगे चद्दर लगा के इन्होंने निगम की ज़मीन पर अतिक्रमण है, और जो आयुक्त सर का जो आदेश था तो उस आदेश की पालना में हम यहाँ आज आए हैं। यहाँ के जो लोकल हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद सर हैं, जो निवर्तमान पार्षद और जो ये दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि भाई हमारा ये निगम की हम किराया इसका जमा कराते हैं, तो जो पिछली बार जो बेहतर दुकानें हटाई थी और उन दुकानों में जो डिसीजन हुआ था, अभी कलेक्टर साहब को भी सर ने अवगत कराया है, देविका मैडम भी अभी कलेक्टर हैं, तो जो डिसीजन उनके साथ हुआ था वही वैसा ही इन्हीं के साथ होगा। और इनका रिकॉर्ड जो तहबाजारी का है, 2x2 मीटर का इनकी दुकान वापस अलॉट करने का है, और जो अतिक्रमी भी है, दो है यहाँ पे, एक तो मिस्टर निरंजन कुमार गुप्ता जी है और एक नवल किशोर जी खंडेलवाल हैं, तो केवल इन दो का ही इशू है यहाँ पे। और ये खुद अभी इस जो अतिक्रमण है ये खुद मान रहे हैं, तो इसको खुद अपने स्तर से हटा देंगे और कार्रवाई सारी सुचारू हो जाएगी। सर अपने स्तर पे हटा रहे हैं इनको? ये अभी खुद अपने स्तर पे हटाने का है और ये खुद अपने स्तर पे हटा देंगे आज, और कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। ये हमारी परचूनी की दुकान है, ये जनरल स्टोर है, और हमारे जन्म लेने से पहले की हमारे पिताजी चलाते थे, तब से चल रही है। और नगर निगम का 31 तारीख को हमारे पास नोटिस आया था कि आपको 3 दिन में अपने दस्तावेज पेश करें। हमने 1 तारीख को वहाँ दस्तावेज पेश कर दिए थे, उसके बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं है। कल शाम को थाने से आए थे कि कल सुबह आपको हटाने के लिए आ रहे हैं, और आज दस्ता आ गया और हटाने की कार्रवाई करना चाहे, तो हमने बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के इन्होंने हमें हटाने की कोशिश की है। दुकान खाली करनी पड़ेगी, वो तो हम तो सहयोग करने के तैयार हैं, लेकिन नगर परिषद नगर निगम की तरफ से आश्वासन तो मिले कि हमें कहीं शिफ्ट किया जाए। अपनी यही डिमांड है, हम प्रशासन का सहयोग करने को तैयार हैं। प्रशासन हमें लिखित में आश्वासन दे दे कि हमें कहीं भी जगह दी जाए, या जो भी बेहतर दुकानदारों के साथ किया गया वो हमारे साथ भी हो जाए, लीगल प्रोसेस में हो। मेरा नाम राजेंद्र खंडेलवाल। ये गुलाबबाड़ी फाटक नाक मैदान है, नगर निगम ने बिना पूर्व सूचना के, बिना हटाने आ गए, बिना किसी सूचना के बिना। कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? 6 दुकानें, वैसे 2 दुकानें पर धूप में 6 बटी नहीं हुई। अभी पहले क्या कार्रवाई कर चुके हैं और आज क्या करना है? पहले इन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के बिना ही कार्रवाई की है। आगे हमें लिखित आश्वासन मिल जाए, लिखित में मिल जाए तो अपने हम स्वयं खाली कर रहे हैं। जी हमारी बात हो गई है। बात इन्होंने कहा है कि जो अपने पुलिया के नीचे जो भी निर्माण होगा उसमें दुकानें आवंटित की जाएगी, उसमें मिल जाएगी। जी मेरा नाम प्रहलाद खंडेलवाल है।